हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लॉप जी क्रीम के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छी क्रीम है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के लिए काफ़ी यूज किए जाने वाली क्रीम है। वैसे आमतौर पर लोग इसे स्किन को साफ़ करने के, कालापन दूर करने के लिए यूज़ करते हैं। वैसे वो बहुत ही ख़तरनाक है, आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आप क्लॉप जी क्रीम को, आप इस प्रॉब्लम में कालेपन को दूर करने के लिए आप इस क्रीम का यूज़ ना करें, नहीं तो आपकी स्किन को काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लॉप जी क्रीम के बारे में, इसके क्या कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशनों का क्या फ़ायदा है, क्लॉप जी क्रीम को आप किस पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए और इसके लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं क्लॉप जी क्रीम के बारे में, जो कि लीवा हेल्थ केयर कंपनी की बनाई हुई क्रीम है। यह 25 ग्राम के पैकेज में आती है और MRP की बात करें तो इसका MRP 17 रुपये है। अब हम बात करने वाले हैं कॉम्पोजिशन, तो इसमें दो इम्पोर्टेंट कॉम्पोजिशन है, दोनों कॉम्बिनेशन सॉल्ट है। पहला क्लोबिटा सॉल्ट, दूसरा जेंटामाइसिन। पहला सॉल्ट जो कि क्लोबिटा सॉल्ट है, एक स्ट्रोइड सॉल्ट है और यह सॉल्ट को आप ज़्यादा दिनों तक यूज़ ना करें, यह काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। अगर आप इसे ज़्यादा दिनों तक यूज़ करते हैं तो यह एलर्जी एक्जिमा के प्रॉब्लम में काफ़ी यूज़ किया जाने वाला सॉल्ट है। तो दूसरा सॉल्ट जो कि जेंटामाइसिन है, यह एक एंटीबायोटिक सॉल्ट है। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर रखता है और स्किन की ज़रूरतों को पूरी करता है और स्किन को साफ बनाए रखता है। अब हम बात करने वाले हैं क्लॉप जी क्रीम के किस पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो, रेडनेस हो स्किन पे, जांघों के बीच में खुजली हो या कहीं भी खुजली की प्रॉब्लम हो तो आप इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, पर आप इसे ज़्यादा दिनों तक यूज़ ना करें। अब हम बात करने वाले हैं क्लॉप जी क्रीम को आप किस तरीके से यूज़ करें कि ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। आप इसे यूज करने से पहले आप अपने हाथ को धो लें और जिस जगह पर लगाएं उस जगह को धो लें। धोने के लिए आप किसी अच्छे मेडिकेटेड सोप या गुनगुने पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे लगाते वक्त आप इसे ज़्यादा देर रगड़े नहीं, आप इसे हल्के हाथों से लगाएं और ना ही ज़्यादा आप इसे रगड़ें। और आप इस क्रीम को 1 से 2 हफ्ता ही लगाएं, ज़्यादा दिनों तक ना लगाएं, नहीं तो आपकी स्किन को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करने वाले हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। तो आप इसे साइड इफ़ेक्ट तो होते नहीं है, वैसे आप इसे अगर ज़्यादा दिनों तक यूज़ करते हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या तुरंत बाद लगाने के बाद साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आप इसे अगर लंबे समय तक लगाते हैं तो आपकी स्किन पतली हो सकती है, स्किन पे बाल उग सकते हैं, यह सभी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप इसे लंबे समय तक यूज़ करते हैं। तो अगर आपके इसके लगाने के तुरंत बाद अगर आपको एलर्जी और बढ़ जाती है, फंगल इन्फेक्शन और भी बढ़ जाता है तो आप इस क्रीम का यूज़ ना करें और आप यूज़ करने से पहले डॉक्टर या फार्मेसिस्ट से कंसल्ट करके आप इस क्रीम को लें। तो यह थी क्लॉप जी क्रीम के बारे में जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।